वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एवोल्यूशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और ये जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट है, अमंग ह्यूमन एंसेस्टर ब्रेन साइज जो था मोर देन 1000 cc, किस में था ये? डेट वॉज इन नियंदरथल, होमो नियंदरथल। विच वन इज़ करेक्ट? There is no evidence of presence girl in mammalian embryo. Ontogeny, repeat phylogeny, are plant animal, are totipotent, stem cell are specialized cell. So इसमें ontogeny, repeat phylogeny ये सही है। Finches of Galapagos provide evidence. ये कौन सा evidence है? Biogeographical. ये Darwin ने study की थी। Two species of different genealogy show resemblance due to similar adaptation. इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? दैट इज़ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी इनका एनकेस्टर अलग अलग होगा पर एक पॉइंट पे मिक्स हो जाते हैं एक जगह हैबिटेट के ऊपर। अडाप्टिव रेडिएशन क्या है? एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एनकेस्टर। अडाप्टिव रेडिएशन, इसमें एनकेस्टर सेम होगा पर एवोल्यूशन के साथ अलग अलग बन जाएगा, डैट इज़ अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं इसको। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ कॉमन टू वेल, सील, सार्क? ये तीनों क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट, क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है ना, एक जगह पे आके मिक्स हो गए हैं। इफ़ द मीन एंड मीडियम परटेनिंग टू ए करैक्टर इन पॉपुलेशन आर सेम वैल्यू, व्हाट लाइकली टू कर? इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वॉज फाउंड इन पेपर्ड माउथ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या देता है? डैट इज़ द ट्रू ब्लैक मेलानिन फाउंड वेल बाई रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। म्यूटेशन रैंडमली होती है, एनवायरनमेंट के हिसाब से मेलानिन के जीन एक्टिव हो जाते हैं। ए हाई डेंसिटी एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया विल रिजल्ट इन, डैट इज़ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अगर ज़्यादा आ जाएंगे एलिफेंट तो क्या होगा? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट of ability to adopt and get selected by nature. So ये 10th question का सही है C. Question 11, which one is the most important consequence of geographical isolation? Geographical अगर isolate कर दें किसी species को तो क्या होगा? Speciation through reproductive isolation, ये हो जाएगा कि इससे reproductive isolation बन जाएगा। हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, एंड कौन से फैक्टर जो है हार्डी वेनबर लॉ को अफेक्ट करते हैं? इसमें एक नेचुरल सिलेक्शन भी आ जाता है। क्वेश्चन 13, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय बिस्टोन बेटलूरा, पेपर्ड माउथ कहते हैं। सो ये शो करता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्वेश्चन 14, विच वन इज करेक्टली मैच? वेजमैन ने दी थी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसे ही है, बाकी पास्चर वाला भी गलत है। डीवेरिस की म्यूटेशन थ्योरी थी, मेंडल की जेनेटिक्स की थ्योरी थी, पास्चर की क्वाइट करेक्टर की थ्योरी नहीं थी, ये दे लमार्क की थी, तो इसलिए वेजमैन वाला सही है। क्वेश्चन 15, इनकरेक्ट बताना है अबाउट प्रोटोबायोन इन एबायोजेनेसिस। जब लाइफ शुरू हुई थी प्रोटोबायोजेनेसिस में, गलत क्या है? दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, इनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं थी, ये गलत है, कॉसर बीट में आई थी। टेंडरीड ऑफ कुकरबीटा एंड थॉर्न बोगले, ये क्या शो करते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट इनके फंक्शन अलग है। पेरीपेटस किस में कनेक्टिंग लिंक है? एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मैन? सबसे रिलेटिव हमारे क्या है? डैट इज़ द चिंपांजी। 19, विच वन आर नॉट एनालॉगस ऑर्गन? थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबीटा, ये होमोलोगस है। 20, ओरिजन ऑफ फर्स्ट टू थर्ड बर्ड एंड जिम्नोस्पर्म अकर्ड, किसमें आया था? जुरासिक पीरियड में आए थे टूथ वाले बर्ड एंड जिम्नोस्पर्म। 21, एक कनेक्टिंग लिंक डैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कौन सा है? डकबिल प्लेटिपस शो करता है रेप्टाइल एंड मैमल में। डार्विन फिंचेस का शो करते हैं अडाप्टिव रेडिएशन। बेस्टीज ऑफ गिडल्स आर फाउंड इन, बेस्टीज थोड़े अवशेष मिलते हैं गर्डल के पाइथन में, क्योंकि ये चल नहीं सकता पर इसके निकेस्टर चलते थे।
विच वॉज द बिगेस्ट लैंड डायनासोर, ट्राइनोसोर रैक्स सबसे बड़ा डायनासोर था। 25 इन अर्लियर अर्थ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद, किसके साथ बनते थे, अमोनिया एंड मिथेन। 26 में आपको स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। सो स्टेटमेंट है, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक एंड आर रिजल्ट ऑफ, कौन सा एवोल्यूशन है, ये स्मॉल वेरिएशंस है। मिलर ने CH2 हाइड्रोजन अमोनिया एंड ऑक्सीजन इसको एक्सप्लोज किया था इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें रिजल्ट क्या था, न्यूक्लियोसाइड बने थे। बर्मी फॉर्म पेंडिक्स क्या है, नंबर वन ये बी में सी में देखिए, बर्मी फॉर्म पेंडिक्स नंबर वन वन सेकेंड, हाँ इसमें सिर्फ ए वाला सही है, बाकी का कोई मैच नहीं है, तो इसलिए ए स्टेटमेंट्स के सारे सही आ रहे हैं, बाकी गलत हैं, क्योंकि बर्मी फॉर्म पेंडिक्स का इसमें कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना, वाटर पेपर के। हाँ पर डी के साथ मैच कर रहा है, मगर बाकी पॉइंट मैच नहीं कर रहे। विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग यू लॉजिकल टाइम स्केल एवोल्यूशन, बट यूर एवोल्यूशन किस में था, सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, प्रीकैम्बियन, इस तरह से इंक्रीज हुआ। 28 विच वन अमंग द फॉलोइंग डिपिक्ट होमोलॉगी, ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये होमोलॉगस है। ट्रेंडलिन इन प्लांट क्या एग्जाम्पल हैं, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। 30 विच वन डज नॉट फेवर द लैमार्क कंसेप्ट, मेलनिज्म, पेपर मॉथ, इंडस्ट्रियल एरिया, ये शो नहीं करता। बायोजेनेटिक लॉ जो है किसने दिया था, हैकल ने। 32 मोस्ट अपेरेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमर, क्या चेंज हुआ है आपके ह्यूमन के एवोल्यूशन में, सबसे ज़्यादा क्रेनियन का साइज़ बड़ा है। एक्सटेंट ह्यूमन जो 1,00,000 से 40,000 साल तक थे यूरोप में, एशियन पार्ट ऑफ अफ्रीका, और उसका छोटी हाइट थी, आईब्रो बड़ी थी, फोर हेड बड़े थे, लार्ज जॉ थे, टूथ थे, स्टॉकी बॉडी थी, लम्बरिंग जेंट था, तो वो कौन थे, नियंदरथल मैन। एक्सटेंट ह्यूमन एंड कैस्टर हु एट ऑनली फ्रूट, जो फ्रूट खाते थे, ऑस्ट्रेलियोपाइथिकस थे, वो स्टोन के हथियार बनाते थे वो। 35 एवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर, ये अडैप्टिव रेडिएशन होती है, एक पॉइंट से अलग अलग बनना। कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था, डी वेर इसने दिया था इवनिंग प्राइमोस पे एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद आइए टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये किससे डिस्टर्ब होता है, लैक ऑफ रैंडम म्यूटेशन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक अडैप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरनमेंट चेंज, दैट इज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। 38 39 डार्विन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से। 40 वेरिएशन इन जीन फ्रिक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन वाज अकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से बाय चांस आती है। 41 द फिंच स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, तो विच वन इज नॉट फिंच फूड, कैरी ऑन, ये फीड इसका फूड नहीं है, ये बर्ड्स नहीं खाते। 42 जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइज़ ड्यू टू म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, 42 का ए। रैंडम अन यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी डेट अकर बाय चांस इन ऑल पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन, इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। 44 आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट डिफरेंट पैटर्न स्ट्रक्चर है और इनका सिमिलर फंक्शन है, तो ये एनालॉगस और करना होगा क्योंकि इनका फंक्शन सेम है बट ओरिजन डिफरेंट है। मिलर ने जो टेम्परेचर कितना दिया था अपने सेटअप में, 800 सेंटीग्रेड। इक्वेशन दी हुई है पी प्लस क्यू स्केयर पी स्केयर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू 1, ये क्या शो करता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। 47 इन पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल 360 जो हैं जीनोटाइप है ए ए के, 48 है कैपिटल स्मॉल ए,
तो रिसेसिव के हैं 160, तो इस डाटा के ऊपर आपने ए की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। सो ये आएगा 0.6। इसमें आपने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजार्ड यूज इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ वेल यूज इन स्विमिंग एंड फोर लिम्ब ऑफ बैट इन फ्लाइंग ऑफ एग्जाम्पल, ये होमोलोगस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालोगस गिल ऑफ प्रॉन है लंग ऑफ मैन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है डार्विन की थ्योरी है, बायोजेनेटिक लॉ हैकल का है 51B, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म किसकी एग्जाम्पल है, ये नेचुरल सिलेक्शन की, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट ये क्या है, एनालोगस स्ट्रक्चर और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, ये है एक्सोस्केलेटन, इससे सबसे अच्छे एवोल्यूशन मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं हड्डियों से। विच वन ऑफ फॉलोइंग एट द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस, सबसे छोटा इसका दिमाग था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन रीजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक, साल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जंपिंग म्यूटेशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन प्रपोज बाई डी वेरिस और निथेराल मार्कियाना, इसके ऊपर काम किया था, समार्कियाना नहीं लमार्कियाना आएगा। 59 एनालॉगस स्ट्रक्चर किससे बनते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो इसमें आपने करेक्ट बतानी है, ए एंड बी करेक्ट हैं दोनों। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो थे अर्थ के ऊपर नॉर्ग्रीन थे, ऑटोट्रॉप जो थे केमोट्रॉपिक पहले अपियर हुए थे। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ काम करती है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। 62 हार्डी वेनबर इक्वेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस की क्या है, 2PQ हेट्रोजाइगस की। क्रोनकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इसका सही आएगा डी, 63 का पहले रामापथिकस स्टेलियोपथिकस हिबलस एंड रेक्टस। 64 में आपने बताना है करेक्ट सीक्वेंस ओरिजिन ऑफ लाइफ की, पहले 0.2 ऑर्गेनिक मोनोमर बने, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर बने, फिर प्रोटोवाइट बना, फिर DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बना। 65 आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑबटेन द काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट, ये क्या है, डायरेक्शनल, इट पुशेस द मीन ऑफ करेक्टर इन वन डायरेक्शन। 66 विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, एक्वेटिक एनिमल का वेल डॉल्फिन सील ये सारे मैमल्स हैं और एक्वेटिक है। सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फॉर लिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट, ये है होमोलॉगी। अमंग द सेट गिवन फॉर डाइवर्स एवोल्यूशन इनकरेक्ट क्या है, आई ऑफ ऑक्टोपस बैड एंड मैन, ये गलत है। 69 द वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन बाय डी वेरिस आर क्या है, रेंडम एंड डायरेक्शनलेस। 70 में न्यूमेरिकल है, इसमें अपने स्पीसीज हैं न्यू बॉर्न रेंज का वेट है 2 से 5 किलो, 97 न्यू बॉर्न जो हैं एवरेज वेट के हैं 3 से 3.3 और 99% तक इन्फेंट जो वेट हैं 2.25 और 4.5 to 5 वाले डाई कर जाते हैं, तो ये क्या है स्टेबलाइजिंग, तो इसमें क्या है मीन वाला सर्वाइव कर रहा है, ज़्यादा वेट वाला सर्वाइव नहीं कर रहा है, ये नेचुरल सिलेक्शन की टाइप है। जीन 2A एंड कैपिटल A डोमिनेंट A की है 0.4 और फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड रिसेसिव इंडिविजुअल पॉपुलेशन क्या है, यहाँ आप निकाल सकते हैं इसको 1 से माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा ऑप्शन B सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चंस। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है यू कैन पुट। सो इसके साथ हम इसका जो वीकली टेस्ट है वो रखेंगे, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन का टॉपिक हमने फिनिश कर दिया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।